हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोगों का हमारे चैनल भक्ति यूनिक क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारा टू है, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है और चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स के सम और डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को विभिन्न तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इजी कंसेप्ट आपको बताएंगे, इसको अच्छी तरह समझ में आए। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो पुराने वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हाँ, आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, शुरू से आखिर तक देखेंगे जब भी कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके बीच में सम है, मतलब प्लस का निशान लगा है, तो हम इसको प्लस करेंगे। प्लस में जैसे आपको पता है कि जब प्लस करते हैं तो क्या होता है, इसमें a11 का a11 से ऐड होता है तो हो जाएगा a+a, b+b, -b+b, a+a। ठीक है, अब a और a हो गया 2a, b और b हो गया 2b, a और a हो गया 2a और ये हो गया 0 और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इसके आगे सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो 1-1 का 1-1 से, 1-2 का 1-2 से, 2-1 का 2-1 से, 2-2 का 2-2 से ऐड करते हैं। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये आप देखें कि ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा, क्योंकि ये है b+c का होल स्क्वायर, b² + c² + 2bc, तो b+c का होल स्क्वायर होगा। ये माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा तो a-c का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला बनता किसका है, किस फार्मूले का ये ऑप्शन है, और उस हिसाब से उस फार्मूले को आपको कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, अब ये अभी ऐड का है, लेकिन ऐड का सब्ट्रैक्ट भी होता है, वो आपका डिपेंड करेगा आपकी साइन पर कि क्वेश्चन में हमारा साइन क्या दिया है। और जो एलिमेंट हम ऐड करने जा रहे हैं उन दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों माइनस में है तो ऐड होगा, साइन माइनस का आएगा, दोनों प्लस में है तो ऐड होगा, साइन प्लस का आएगा, अगर एक प्लस और एक माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा, जो नंबर बड़ा होगा, जो एलिमेंट बड़ा होगा उसी का साइन यूज किया जाएगा। तो देखिए -1 यहाँ 12 है तो ये हो गया -1 12, 4+7 -6+6 8+8 5+0 16+5 2+3 8+2 5+4 देखिए यहाँ से घटेगा तो -11 हो जाएगा, ये जुड़ के 11 आएगा और ये हो गया 0। यहाँ से 8 8 16 होगा, ये हो गया 5। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया -11। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस है,
ये माइनस वन प्लस इलेवन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का बहुत ध्यान से देख करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है cos square x sin square x, ठीक है। और ये आप देखिए कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके साथ ही जुड़ेगा, तो ये मतलब इसको साइन कॉस किसी को आगे लिख लो, कॉस है तो कॉस लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर आपको पता है कि वीनो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा वन 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 और वन, और ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।